अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसमें फोर प्रॉपर्टीज है। सबसे फर्स्ट ये है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो होता है इस कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब अगर हम दो मैट्रिक्स ए और बी लिए हैं तो ए में हम बी को ऐड कर रहे हैं या बी में हम ए को ऐड कर रहे हैं तो दोनों इक्वल आएगा, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसे ही हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टीज है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हम तीन मैट्रिसेस लेते हैं, थ्री मैट्रिसेस लेते हैं, ए बी सी हम थ्री मैट्रिसेस लिए तो इसमें हम सबसे पहले ए और बी को ऐड कर रहे हैं उसके बाद सी को ऐड कर रहे हैं, या हम पहले बी और सी को ऐड करें फिर ए को ऐड करें तो इन दोनों कंडीशन में आपस में इक्वल आएंगे, इसे ही हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। उसके बाद थर्ड इसकी प्रॉपर्टीज है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी जो हमारी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या करती है। अब यहाँ हम ए कोई मैट्रिक्स लिए और जो हमारा ये जीरो मैट्रिक्स है यानी नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स यानी ए में अगर हम नल मैट्रिक्स ऐड करते हैं या नल मैट्रिक्स में ए ए ऐड करते हैं, मैट्रिक्स ए को ये वो ऐड करते हैं तो हर कंडीशन में हमें मैट्रिक्स ए ही मिलती है। इस प्रॉपर्टीज को हम एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ इसकी प्रॉपर्टीज है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे हम कोई मैट्रिक्स ए लिए हैं तो जो ए का एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स होगी वो माइनस ए होगी। जैसे यहाँ है द मैट्रिक्स माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो एडिटिव इनवर्स के लिए हम माइनस साइन लगा देते हैं। तो ए प्लस इसका ए का एडिटिव इनवर्स जब भी हम करेंगे तो हमेशा हमें नल मैट्रिक्स से देगी, जीरो मैट्रिक्स से देगी। या हम कोई ये एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स से इसमें उसकी मैट्रिक्स को हम जब ऐड करेंगे तब भी हमें जीरो मैट्रिक्स से मिलेगी, नल मैट्रिक्स से मिलेगी। तो इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एडिटिव इनवर्स का भी एग्जिस्टेंस होता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में।